अस्सलाम वालेकुम जी, स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज नुमान। पाकिस्तान के गूगली के मास्टर और पाकिस्तान में गूगली के बानियों में शुमार होने वाले अब्दुल कादर मरहूम के बेटे उस्मान कादर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर क्रिकेट को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आज ही क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेजा है और उनके साथ मज़ीद काम करने से उन्होंने माजरत कर लिया, उन्होंने खैर बात कह दिया यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसकी वजूहात क्या है कि इतने बड़े महान स्पिन बॉलर अब्दुल कादर के बेटे उस्मान कादर, जो के बजाते खुद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है? पाकिस्तान पीसीबी को छोड़ने का फ़ैसला उन्होंने क्यों किया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो पीसीबी को छोड़ने पर मजबूर हो गए? इसकी बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन हम आपके साथ दो तीन अंदर की बातें शेयर करेंगे कि उस्मान कादर के इस्तीफ़ा देने की और रिटायरमेंट लेने की वजूहात क्या है। सबसे पहली वजह यह है कि बड़े बाप का बेटा होने के बावजूद उस्मान कादर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके वो बजाते खुद हकदार थे। उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि जब उस्मान कादर डोमेस्टिक अपने वालिद से इसके गूगली के और स्पिन बॉलिंग के गुर सीख रहे थे और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और बड़ी विकटें टेक कर रहे थे, उस दौरान मुतद्दद बार उन्होंने ट्रायल दिए लेकिन उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं खिलाया जा रहा था। फिर एक दफ़ा मुझे याद है कि अब्दुल कादर ने मंजरे आम पर आकर ये कहा था कि मेरे बेटे के साथ ऐसे हो रहा है, तो फिर लोगों ने नोटिस लिया और फिर उनको डोमेस्टिक क्रिकेट टीम में जगह मिल गई। यही नहीं कि उनको यानी सिफारिश पर जगह नहीं मिली, ना ही उनके पीछे पर्ची थी, क्योंकि अब्दुल कादर जो थे वो हमारे पाकिस्तान में अगर बल्कि पूरी दुनिया में अगर कहा जाए तो गूगली के मास्टर जो थे वो अब्दुल कादिर थे और उनसे ज़्यादा अच्छी गूगली तारीख में कभी कोई करा ही नहीं सका। और शीन वाटसन जैसे बड़े स्पिन बॉलर जो हैं वो भी उनके मुरीद भी थे और उनके शागिर्दों में भी शुमार होता था। उसके अलावा सकलैन मुश्ताक आए, वो भी उनको देखकर आए, सीखा उन्होंने। फिर मुश्ताक अहमद आए और ये मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक ये पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत बड़े बॉलर गुजरे हैं और सब ने उनसे सीखा। तो अपने बेटे को भी उन्होंने जहरी सी बात है सिखाया, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया उस्मान कादर को। अब भी उनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक और बड़ा ही शर्मनाक किस्म का वाकया हुआ है कि डोमेस्टिक में वो खेल रहे थे और एक तो उनको डोमेस्टिक में बार बार मौका नहीं था दिया जा रहा, दूसरी बात अब ये जो वनडे चैम्पियनशिप हुई है फैसलाबाद में, इसमें भी उनको सिर्फ दो से तीन मैच खिलाए गए, उनको वहाँ पर भी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट था उसमें भी उनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन पिछले 6-8 महीने से उनकी जो असल परेशानी थी वो ये थी कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका जो इंटरनेशनल का जो डेस्क है उसकी तरफ से उनको एनओसी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जो डोमेस्टिक ढांचे में क्रिकेटर्स होते हैं इनको बाहर जाकर काउंटीज़ वगैरह खेलने के लिए एनओसी की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको एनओसी नहीं दे रहा था और ज़ाहरी सी बात है जिसकी वजह से वो माली मुश्किलात का भी शिकार हो रहे थे। डोमेस्टिक भी उनको नहीं खेलने दिया जा रहा था और फिर अब ये जो चैम्पियनशिप हुई है इसमें भी दो तीन मैचेस उनको खिला कर बाहर फिर बिठा दिया गया। यानी कौमी क्रिकेट टीम में इस वक्त एक भी स्पिन बॉलर, बाकायदा स्पिन बॉलर मौजूद नहीं है। शदाब खान है, उन्होंने थोड़ी बहुत विकटें ली हैं लेकिन पिछले दो साल से तो वो भी फेल हैं। लेकिन उस्मान कादर जो कि इतने अच्छे स्पिन बॉलर हैं और गूगली भी बहुत अच्छी फेंकते हैं, उनको जानबूझकर सिर्फ पर्ची ना होने की वजह से उनको साइडलाइन किया गया और इसी वजूहात की बिना पर उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर पीसीबी से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। हमारे उनसे रब्ता हुआ, हमने उनसे पूछा कि क्या आपने वाकई रिटायरमेंट का ऐलान किया है या ये सिर्फ सोशल मीडिया की खबर है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा जी मैं फिर उनसे इस मौजू पे भी गुफ्तगू हुई और अब उनका प्लान ये है कि वो यहाँ से निकलेंगे और बाहर जाकर काउंटीज़ वगैरह खेलेंगे या दूसरे किसी मुल्क के लिए वो खेलेंगे। यानी कि पाकिस्तान का फ़ख्र पाकिस्तान और गूगली का मौजूद जिसका बेटा आज पाकिस्तान में
जलील हो रहा है और उसने मजबूरन रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोस्तों ये था हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।